हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप डार्क मूड इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने लाइटरूम ऐप से अपनी फोटो में। दोस्तों, किस तरह से आप इसे करना है तो इस वीडियो को बताने वाला हूँ किस तरह से आप इस तरह की एडिटिंग कर सकते हैं बड़ी इजीली। तो भाई, सबसे आसान और इजी ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल के बेल आइकन को भी दबा देना। दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पर डार्क मूडी प्रीसेट्स यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसे लाइटरूम ऐप में किस तरह से इंस्टॉल करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं अपना लाइटरूम ऐप, तो यहाँ से मैं ओपन कर लूँगा। दोस्तों, लाइटरूम ऐप ओपन करने के बाद आप कोई से भी यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर लीजिएगा, उसे हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा होगा कैमरे और इमेज प्लस का आइकन, तो आपको इमेज प्लस के आइकन पर जाकर उस प्रीसेट को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर प्री इंस्टॉल यहाँ पर कर रखा है। दोस्तों, कैसे आपको ये प्रीसेट्स अपनी फोटो में इंपोर्ट करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम इस प्रीसेट्स को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ओपन करने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको नजर आएगा कॉपी सेटिंग, इस पर हम क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर आपको जो अनटिक है यहाँ पर जो भी टूल्स, उसे हम टिक कर देंगे, तो यहाँ से मैं टिक कर देता हूँ। और टिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है। तो इस तरह से हमारे ये प्रीसेट जो है वो कॉपी हो चुका है। अब यहाँ पर हम जाएंगे बैक। अब देखो, आपको जिस भी फोटो में ये प्रीसेट इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ पर वो फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर इमेज प्लस के आइकन पर जाकर। तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो यहाँ से मैं इस फोटो को ओपन कर लेता हूँ। तो उस फोटो ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है थ्री डॉट के ऑप्शन पर, इस पर हम चले जाएंगे और यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। दोस्तों, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर पेस्ट सेटिंग, इस पर हम पेस्ट कर देंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारी फोटो में यहाँ पर एक ही क्लिक में यहाँ पर ये प्रीसेट्स इंपोर्ट हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा कुछ बेसिक सेटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हम थोड़ा सा टूल्स में चले जाएंगे, हम चले जाएंगे सन के आइकन वाले ऑप्शन में, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब आपको एक्सप्लोरर थोड़ा सा बढ़ा देना है, तो इस तरह से मैं बढ़ा दूंगा करीब, आप देख लीजिएगा, आप अपने पिक के हिसाब से यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इससे मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। दोस्तों, एक्सपोजर बढ़ाने के बाद हम थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेते हैं, तो इससे मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगा और हाईलाइट को यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा लूँगा, तो इससे मैं कर देता हूँ। और बढ़ाने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर अगले टूल में, तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ उसके नीचे वाले टूल में। दोस्तों, यहाँ पर दिख रहे हो टिंट का ऑप्शन, इसे हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। दोस्तों, बढ़ाने के बाद आपको जाना है अगले वाले टूल में, तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा सेटिंग कर देंगे बेसिक सा, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से मैं क्लियरिटी को थोड़ा सा हाई कर देता हूँ और थोड़ा सा डीएच को बढ़ा देता हूँ, इतना कर दूंगा करीब। आप अपनी फोटो के हिसाब से यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट करते जाइएगा। तो बेजिंटे को आप थोड़ा सा लो कर दें ताकि हमारी फोटो में एक बढ़िया सा इफेक्ट क्रिएट हो सके, तो इस तरह से मैं लो कर देता हूँ थोड़ा सा। और इतना करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको जाना है यहाँ पर अगले वाले टूल में, तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ। तो इस तरह से हम शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो इस तरह से हम थोड़ा सा रेडियस को बढ़ा लेंगे और यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल भी बढ़ा लेना है। आप अपनी फोटो के हिसाब से इस तरह से एडजस्ट करते जाइएगा। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा नॉइस रिडक्शन को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि हमारी जो फोटो की क्वालिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सके। इसको यहाँ पर जाना है कलर्स नॉइस रिडक्शन पे, इसको भी थोड़ा बढ़ा लूँगा, करीब कर दूँगा यहाँ पर 20। और स्मूथनेस को यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा लूँगा, यहाँ पर करीब कर दूँगा 60, तो इससे मैं कर देता हूँ। और इतना करने आपको यहाँ पर डन कर देना है, तो यहाँ से मैं डन कर दूंगा। तो इस तरह से दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी फोटो में डार्क मूडी इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हैं पहले कुछ इस तरह की थी फोटो और अब इस तरह की हो चुकी है। तो दोस्तों, बढ़िया से इफेक्ट इसमें अप्लाई हो चुका है। तो अब इस फोटो को सेव करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है थ्री डॉट के ऑप्शन पे, इस तरह से मैं चला जाता हूँ। और थ्री डॉट के ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सेव टू डिवाइस, इस पर हम क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन आ रहा होगा हाईएस्ट अवेलेबल क्वालिटी का, तो इस पर हम क्लिक करके आप अपनी फोटो को हाईएस्ट क्वालिटी में सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा डार्क मूड इफेक्ट क्रिएट हो चुका है, तो हमारी जो एडिटिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना इस वीडियो को। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और साथ ही उस बेल के आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप ऐसी वीडियो से मिस ना हो पाएं। तो आज के लिए इतने दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर लौटूंगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।